नमस्ते। इस एपिसोड के ओशो ज़ेन टैरो में हम बात कर रहे हैं द कार्ड ऑफ लेटिंग गो के बारे में। कार्ड ऑफ लेटिंग गो को हम कंपेयर कर रहे हैं द कार्ड ऑफ राइडर वेट एट ऑफ कप्स के साथ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन बताना चाहूँगा कि जो अब तक जो मैं देख रहा हूँ कि जो ओशो ज़ेन टैरो जो है राइडर वेट के ऊपर बेस ज़रूर है, लेकिन फिर भी जो है दोनों की अपनी एक अलग यात्रा है। ओशो ज़ेन टैरो जो है वो एक एस्पेक्ट की बात कर रहा है जो कि राइडर वेट के कार्ड में शो करता है, लेकिन अगर हम राइडर वेट की कार्ड्स देखें तो उसमें बहुत सारी डायमेंशंस और बहुत सारी बातें जो हैं अलग अलग लेवल पर बात की जा रही है। और अगर हम उसकी गहराई में जाएंगे तो उसकी अपनी एक अलग ही डीप स्पिरिचुअल जर्नी है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा बहुत बात करते हैं एट ऑफ कप्स के बारे में। एट ऑफ कप्स में हम देख सकते हैं कि एक आदमी जो है पहाड़ों की तरफ जो है जाता हुआ दिख रहा है। पीछे जो है आठ कप्स हैं और आठ कप्स जो हैं सब के सब परफेक्ट पोजीशन में दिखते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिख सकता है कि बीच में एक कप जो है मिसिंग है। और कार्ड हमें यही बताता है कि ये आदमी जो है ये जो मिसिंग जो एलिमेंट है उसकी लाइफ में उसको पूरा करने की यात्रा पे निकला है, उसको परफेक्ट करने के लिए निकला है, क्योंकि वो जो एक जो कमी है वो अंदर से उसको खल रही है, वो उसको तंग कर रही है। सो जब तक कि वो इसको भर नहीं लेगा तब तक जो है उसके अंदर संतुष्टि नहीं आएगी, तब तक उसकी जो है वो यात्रा पूरी नहीं होगी। इसलिए हम देख सकते हैं कि उसके पास ये जो आठ कप्स अवेलेबल है उसकी तरफ से उसने मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि उसको ये दिख गया है कि वो जो एक कप मिसिंग है, वो जो एक एलिमेंट मिसिंग है, उसके बिना जो है ये आठ कप्स जो हैं बेकार है। सो इट्स अ कार्ड ऑफ सर्चिंग, इट्स अ कार्ड ऑफ फाइंडिंग योर ओन सेल्फ। ये कार्ड जो है हमें बताता है कि ये व्यक्ति जो है फाइनली जो है अपने भीतर की तरफ जो है मुड़ना शुरू कर दिया है इसने, कि जैसे कि जो है जो बाहर जो खोजता था अब उसने जो है उसको भीतर खोजना शुरू कर दिया है, क्योंकि तभी हमें जो है वो पहाड़ों का जो है सिंबॉलिज्म उसमें दिखाया गया। जब भी हम माउंटेंस को शो करते हैं तो वहाँ पे हम पीस मेडिटेशन और कामनेस को दिखाते हैं और वहाँ पे एलोननेस भी होती है, इसलिए हम देख सकते हैं कि ये आदमी जो है पहाड़ों की तरफ मुड़ गया है। तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है एट ऑफ कप्स का। अब हम शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन द कार्ड ऑफ लेटिंग गो की। कार्ड ऑफ लेटिंग गो अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। कार्ड में हम देख सकते हैं कि एक पत्ते के ऊपर एक बूंद है जो कि गिरने को है, और उस बूंद के लिए वो एक बहुत बड़ी मोमेंट है। उस बूंद के लिए वो सब कुछ बदल जाएगा जिस दिन जिस वक्त जो है वो उस पत्ते से नीचे गिरेगी। अब तक जो था पत्ते के ऊपर जो है उसने एक ऐसा संसार बनाया था जिस पर उसका जीवन चल रहा था, और जैसे ही वो पत्ते से वो बूंद जो है नीचे गिर जाएगी और वो लाखों करोड़ों बूंदों के साथ एक हो जाएगी, वो नदी का एक हिस्सा हो जाएगी। तो अभी जो हम देख सकते हैं वो है एक इंडिविजुअल की यात्रा, जो कि जब तक कि वो जो बूंद जो है पत्ते पे है, लेकिन जैसे ही बूंद जो है नीचे नदी में गिरेगी वहाँ पर उसकी इंडिविजुअलिटी खो जाएगी। वहाँ पे जो है अब हमें बूंद नहीं हम कह पाएंगे, अब हम कह पाएंगे कि वो नदी हो गई। और इस कार्ड में जो मैसेज आपके लिए आ रहा है वो ये कि जब आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी के साथ जो है उसको जब लेट गो करते हैं, जब उसको छोड़ते हैं, तो नए द्वार नए आयाम जो हैं आपके सामने खुले होते हैं। और जब तक कि हमारे अंदर वो लेट गो की स्टेट नहीं आ जाती कि हम वो पीछे को जो है जब तक लेट गो नहीं कर देते अपने पास को, तब तक जो हमारी जो प्रेजेंट मोमेंट है जो कि हमारे को एक नया फ्यूचर देने को है, तब तक जो है हम उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। तो बूंद हम देख सकते हैं कि घबरा रही है, बूंद हम देख सकते हैं कि कंप रही है, लेकिन हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि पके हुए फल की तरह जो है वो पेड़ से गिरने को है, वो उस पत्ते से गिरने को है। और ये ही जो है ग्रोथ का एक सबसे बड़ा पार्ट है कि आपको जो है अपने पास को जो है लेट गो करना है, आपने अपने पास को पकड़ना नहीं है,
क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे आप देखेंगे कि आपकी जो पर्सनल एक आइडेंटिटी है, जो एक इंडिविजुअलिटी है जो आपने क्रिएट कर रखी है, वो मिटनी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे उस परमात्मा के साथ आप जुड़ना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि आप मिटना शुरू हो गए। गुरु ओशो जो है वो इस कार्ड के बारे में बोलते हैं कि आदमी का स्वभाव ऐसा है कि जब तक कि वो अपने भीतर जो है लड़ाई कर रहा है तब तक जो है वो एक लेटिंग गो की पोजीशन में नहीं आ पाता। वो लड़ाई किस लिए कर रहा है? क्योंकि वो ऊंचा होना चाहता है, वो सबसे आगे होना चाहता है, वो सिचुएशंस को परिस्थितियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एक कॉन्स्टेंट एक फाइट चलती रहती है आदमी के अंदर। लेकिन जैसे जैसे आदमी के अंदर मैच्योरिटी आनी शुरू होती है, ग्रोथ होनी शुरू होती है, वैसे वैसे जो है उसके अंदर एक लेटिंग गो का जो है एक भाव आना शुरू हो जाता है। वो उन सब चीज़ों को जो है लेट गो करना शुरू कर देता है जिससे जो है उसकी ग्रोथ जो है रुकती है। ओशो के जीवन में एक कथा है, वो कहते हैं कि उनको नदियों से बहुत प्यार था और रोज़ सुबह जो है नदी में नहाने जाते थे और कम से कम 4-5 घंटे वो नदी में ही रहते थे। वो एक अपना अनुभव बताते हैं कि नदियों में अक्सर जो है वर्लपुल हो जाया करते थे। वर्लपुल यानी कि भंवर, पानी का भंवर जिसके अंदर जो है गोल गोल जो है पानी आपको जो है नीचे की तरफ खींचता है। और जिन लड़कों के साथ वो जाते थे वो सब बहुत घबराते थे उस वर्लपुल से, क्योंकि वर्लपुल जो था आदमी को अपने अंदर खींच लेता था जिसके कारण जो है कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन ओशो किसी से डरते नहीं थे। ओशो ने ये राज जान लिया था कि वर्लपुल से कैसे निकलना है। वो बताते हैं कि जब भी वर्लपुल होता था वो उसको बहुत इन्जॉय करते थे। वर्लपुल जो है आपको जो है अंदर की तरफ खींच रहा होता था, कि जब वो खींच रहा होता था तो वो और तेज़ी से जो है वो खुद भी जो है अंदर स्विम करते हुए उसको एक्सेप्ट कर लेते थे और उसके अंदर चले जाते थे। और जो भंवर है पानी का वो ऊपर बड़ा होता है और जैसे जैसे हम जाएंगे नीचे की तरफ तो भंवर जो है नीचे जो है छोटा होता जाएगा। और जैसे ही आप जो है भंवर के नीचे चले जाएंगे तो उसी वक्त जो है आप उससे मुक्त भी हो जाएंगे। प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब आप भंवर के साथ जो है लड़ना शुरू कर देते हैं, जब आप भंवर से जो है ऊपर आने की कोशिश करते हैं। तो ओशो कहते हैं कि उन्होंने अपना जो लेट गो का जो लेसन है वो उन भंवर से सीखा, उन नदियों से सीखा जो उनके गांव में बहती थी। और फिर वो बोलते हैं कि उन्होंने इस लेट गो के लेसन को अपनी लाइफ में हर जगह पे यूज़ किया। कुछ भी अननेसरी जैसे ही उनको दिखता था उनके अंदर जो है एक लेट गो का स्टेट आ जाता था। और उस लेट गो के स्टेट के अंदर जो है जैसे ही वो लेट गो करते थे वो एक नए आयाम में प्रवेश कर जाते थे, वो एक नई डायमेंशन में आ जाते थे। तो इस कार्ड का जो मैसेज है आपके लिए लेटिंग गो का कि लाइफ अपने आप में जो है ना आपको बड़ा नेचुरली जो है एक लेट गो की स्टेट में लेके जा रही है और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। आपको सिंपली जो है चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, चीज़ों के साथ जो है ग्रो करना है, उसको उस प्रोसेस के साथ एक हो जाना है। आप कुछ ऐसा समझिए कि आप एक रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और रेलगाड़ी में आपने जो है सर पे जो है अपने बैग्स रखे हुए हैं और आपको लगता है कि वो बैग्स जो है आप लेके जा रहे हो। आपको सिंपली एक छोटा सा काम करना है, उन बैग्स को अपने सर से उठा के जो है ज़मीन पे रख देना है। और ये जो है एक बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग है लेट गो की, जिसमें आप ये समझना शुरू करते हैं कि ऑलरेडी ट्रेन आपको लेके जा रही, ऑलरेडी जो लाइफ की जो ट्रेन है वो आपको जो है ऑलरेडी जो है अपने मंजिल पे लेके ही जा रही है। आपको अपनी तरफ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस चीज़ों को स्वीकार करना है और चीज़ों को होने देना है। तो एक बहुत नेचुरल एक लेट गो की स्टेट बनती है। उस लेट गो की स्टेट के साथ जो है ना आप देखेंगे कि चीज़ें जो हैं सब कुछ अपने आप ही होने लग जाएगा। आप ज़्यादा रिलैक्स होंगे, ज़्यादा मेडिटेटिव होंगे, ज़्यादा जो है यू विल बी इन द मोमेंट। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि 8 of Cups के अंदर जो है वो एक एस्पेक्ट की बात हो रही है लेट गो की इसके अंदर, लेकिन उसमें और भी एस्पेक्ट्स की बात की जा रही है। लेकिन अगर हम ओशो ज़ेन टैरो की बात करें तो उसमें स्पेसिफिकली जो है वी आर टॉकिंग अबाउट वन थिंग एंड दैट इज़ लेट गो। एक बहुत ही प्राचीन कथा है, एक आदमी जो है आत्मज्ञान के लिए जगह जगह भटकता था, अलग अलग गुरुओं के पास जाता था, अलग अलग लोगों के पास जाता था कि जो उनको गाइड कर सके, जो उनको बता सके, जो उसको आत्मज्ञान दे सके। लेकिन अभी तक जो है
उसको कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया था। और फाइनली जो है वो एक गुरु के शिष्य से मिला और उस शिष्य ने कहा कि मुझे जो है आत्मज्ञान जो है मेरे गुरु के कारण हुआ है, अगर तुम भी उनसे मिलोगे तो हो सकता है वो भी तुम्हारी मदद कर सके। तो उस आदमी ने कहा कि ज़रूर आप प्लीज़ बताइए कि मैं उनको कहाँ ढूंढ सकता हूँ, मैं कैसे मिल सकता हूँ उनको। तो उस शिष्य ने कहा देखो मुझे लोकेशन तो उनकी पता नहीं है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि वो उस पहाड़ में मिलेंगे आपको, आपको पहाड़ में ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो लोगों से बचते हैं, क्योंकि वो भीड़ भड़ाके से जो है दूर रहना पसंद करते हैं। जब भी कोई उनके पास आता है, जब उनको पता चल जाता है कि कौन से मिलने आ रहा है तो वो छुप जाते हैं। ये सुन के जो है उस आदमी के अंदर एक होप आई, उसके अंदर एक आशा बंधी, उसके अंदर से जो है उसको अंदर से एक फीलिंग आई कि हो ना हो मुझे यही आदमी जो है तृप्त कर पाएगा, यही आदमी जो है मुझे आत्मज्ञान दे पाएगा। तो वो उस यात्रा पे निकल गया। तो उसने ढूंढा 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 बहुत ढूंढा, और ढूंढते ढूंढते जो है ऑलमोस्ट 2 साल हो गए उसको उस आदमी के चिन्ह मिलते, लेकिन वो आदमी ना मिलता, क्योंकि जैसा शिष्य ने बताया था कि वो जो गुरु है वो दूसरों से जो है भागता है, वो किसी को ऐसे स्वीकार नहीं कर लेता। तो जब उसको पता चल जाता है कि कोई उससे मिलने आ रहा है तो वो छुप जाता है। तो ऐसे 2 साल हो गए और फाइनली ढूंढते ढूंढते वो फाइनली एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचा जहां पे उसको एक झोपड़ी दिखी, और झोपड़ी में और जब उसने झोपड़ी देखी तो उसने लगा कि हो ना हो ये उसी गुरु की कुटिया है। बहुत ही आशा के साथ जो है वो कुटिया की तरफ जो है जाने लगा, लेकिन वो इतना थक गया था, इतना टूट चुका था कि अब वो रेंगते रेंगते जो है उस कुटिया की तरफ जा रहा था। किसी तरह से जो है वो उस कुटिया में पहुंचा। तो जब वो कुटिया में पहुंचा, जब उसने अंदर झांक के देखा तो वहां कुटिया में ऐसा लगा कि जैसे कोई भी नहीं रहता, और ऐसा ही नहीं कि कोई नहीं रहता, और ऐसा लगा था कि जैसे कभी कोई रहा ही नहीं वहां पे। ये सब देख के ना वो पूरी तरह से टूट गया था। तो धीरे धीरे चल के जो है वो कुटिया के बाहर आया, और वो कुटिया के बाहर जो है गिर गया, कोलैप्स हो गया। उस वक्त जो है ठंडी के दिन थे और ऊपर जो है सूरज निकला हुआ था। उस मोमेंट में एक टोटल एक लेट गो की एक स्टेट उस आदमी के अंदर आ गई, एक टोटल जो है एक सरेंडर की स्टेट उसमें आ गई। उसने सब अपनी खोज जो है छोड़ दी, उसने उस मोमेंट में सब कुछ ड्रॉप कर दिया, और जैसे ही इसके अंदर जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन घटी, उसी वक्त उसको लगा जैसे कोई उसके ऊपर जो है कोई भार सा उसके ऊपर पड़ रहा है। तो उसने देखा तो ये वही गुरु था जो उसके ऊपर जो है झुक रहा था। तो गुरु ने उस आदमी को पूछा कि मुझे पता है तुम मुझे ढूंढ रहे हो, तुम्हें कुछ पूछना है मुझसे? तो वो आदमी मुस्कुराया और उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना, और उसी मोमेंट में गुरु भी मुस्कुराया, और दोनों की मुस्कुराहटों में एक ऐसा कम्युनिकेशन हो गया, एक ऐसा आदान प्रदान हो गया जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उस मोमेंट में एक बहुत ब्यूटीफुल एक लेट गो की स्टेट बन गई। तो ये स्टोरी हमें इशारा करती है उस लेट गो के लिए कि अपनी तरफ से आप जो भी करके देखना चाहते हैं अपना रोल जो है कंप्लीट कर लीजिए, और बड़ा नेचुरली आप देखेंगे एक लेट गो की स्टेट बनेगी जो कि आपको नेक्स्ट स्टेज में ले जाएगी। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।